कैसा होता है ना, आप बहुत साल पहले कोई विश मांगते हो जो बहुत सालों बाद पूरी होती है. और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2019. और मेरी विश है कि ये साल जो है आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो, पहले से ज्यादा खुशियां आपके लिए ये साल लेकर आए, ऐसी मेरी विश है. वैसे विश से याद आया कि आज का ये जो वीडियो है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मूवी रिव्यू, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सॉन्ग रिव्यू, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ ट्रेलर रिव्यू. Let's talk about the wish. आपको डायलॉग याद होगा शाहरुख खान का कि किसी चीज को दिल से पाना चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमको मिलाने की कोशिश कर सकती है. तो ये कॉन्सेप्ट ना शाहरुख के लिए नहीं लिखा गया है, दिस एक्चुअली वर्क्स. अब आप बोलोगे कि ये कैसे काम करता है. हियर कम्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसी चीज होती है जो हम चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, पर वो पूरा नहीं कर पाते. बट समवेयर डीप डाउन द मेमोरी लेन वो हमारे कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है. ऐसा ही मेरा साथ भी हुआ. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आई एम एन इंजीनियर, बट प्रोफेशनली एज यू ऑल माइट बी नोइंग आई एम अ रेडियो जॉकी. तो हाउ दिस टर्न अप फॉर मी, आई रिमेम्बर वन ऑफ माई मेंटर्स यूज टू टेल मी, तीन फंडे होते हैं लाइफ के, आस्क, बिलीव एंड रिसीव. आपको सिर्फ यूनिवर्स को वो बोलना होता है जो आप रियली में चाहते हो, एंड इट टर्न्स आउट टू बी द वे यू वांट इट. इसको ऐसे समझो, कभी आपने कोई खिलौना चाहा होगा, आपने अपने मॉम डैड को बोला होगा सी आई वांट दिस, मुझे चाहिए, भले ही वो मॉम डैड ने ला के दिया, बट आपके लिए तो वही यूनिवर्स था. जब आप बड़े होते हो तो आपको चीजें समझ आने लगती है. सेम मेरे साथ हुआ. आई वॉज इन सेवेंथ ग्रेड, तब मुझे वो रेडियो जॉकीज को ना इमिटेट करना बहुत पसंद था. मैं उनको सुनती थी और उनके जैसे ही बोलने की कोशिश करती थी. मेरे घर में वो पुराने नोकिया के फोन में वो रिकॉर्डिंग भी है जब मैं ऐसा करती थी. और मुझे लगा कि ये तो सिर्फ शौक के लिए होता है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी आर्टिस्ट बन सकते हैं. सो आई इवेंचुअली लैंडेड अप इन इंजीनियरिंग. मैंने जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी कर ली तो लास्ट में मुझे लगने लगा No, this is not the right place for me, because आपको एक बात मैं बताती हूँ, जो आप चाहते हो ना वो अगर आप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा. I was in my last semesters. मैंने मेरे मॉम डैड को बोला see I want to do this radio thing और मुझे इसके सिवा कुछ नहीं करना. Although I have been placed in a multinational company, so my parents were like shock की नौकरी लग गई, अब क्या करना है. I said 2 महीने दे दो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ, I can do it. So I went to this radio station और वहाँ जब मैं पहले दिन जा रही थी तो मेरा माइंडसेट था अरे बस अब तो आरजे बन जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा. द मोमेंट आई एंटर द रेडियो स्टेशन मुझे समझ आ गया कि आगे आने वाले 6 महीनों तक कुछ भी नहीं हो पा रहा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद दिस. आई रिमेंबर द डेट वॉज 2nd of November 2015. तो तब मैंने वो रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लिया, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे और आज भी मैं सीख ही रही हूँ. कोई भी कम्प्लीटली कभी कुछ नहीं सीख सकता, आई एम स्टिल लर्निंग. बट वहाँ से 4 महीने सीखने के बाद वहाँ काम करते करते मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया. यार आई वॉन्ट टू बी अ रेडियो जॉकी. मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, इसके पीछे घर वालों से परमिशन ले ली, लड़ाई कर ली. नाउ आई हैव टू डू इट, आई हैव टू प्रूव इट टू माई सेल्फ एंड देन टू अदर्स. तो आई गेव एन ऑडिशन विच वॉज हेल्ड इन नागपुर. वहाँ पे अराउंड 650 कंटेस्टेंट्स थे जहाँ से 10 को सिलेक्ट किया जाना था. सो आई वेंट टू द लास्ट राउंड बट मेरे पास कोई कॉल नहीं आया. आई वॉज 15 days यू नो अहेड ऑफ माई एग्जामिनेशन. मुझे पता था 15 दिन बाद पेपर है, ये नहीं तो अब घर वाले नौकरी में जाने को बोल देंगे. सो वॉट हैपेंड वॉज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट रेडियो स्टेशन एग्जैक्ट 6 months आफ्टर 2016, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई. एंड देन मैंने एक चीज मेरे बैग में से निकाली जो मैं आपसे शेयर करूंगी. आई हैव नेवर शेयर्ड दिस विद एनीबॉडी. This is what I have written back in 2015 December. और मैंने इसको मेरे रूम की दीवारों पर यू नो
को स्टिक कर दिया था, मैंने इसको चिपका दिया था घर पे। और कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, जब मैं आरजे नहीं भी थी ना तब भी मैं अपने नाम के आगे आरजे लगा के घूमती थी ये सोच के ये होगा, ये जरूर होगा। सो आई हैव रिटन इन दिस वन, ट्यून इन टू आरजे एकांशा द बेस्ट रेडियो जॉकी इन टाउन। 2016 is my year and this year me and luck are good friends. So ये आपको समझ आ रहा होगा, this is written in 2016. उसी के साथ मैंने एक और चीज ये लिखी थी, you are listening to RJ Ekansha, जो मैं चाहती थी मेरी लाइफ में हो जाए मैंने उसको इमेजिन कर लिया। आई फेल्ट इट और जब भी रूम खोलती थी तो ये सब दिखता था एंड आई वाज लाइक अरे अब तो बन गया आरजे, बनना तय है, बहुत जल्दी बन जाऊंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस इज, जरूरी नहीं होता कि जैसे आप चाहते हो वैसे चीजें हो जाए, बट ये पक्का है कि यदि आप कुछ चाहते हो और उसके लिए मेहनत करोगे तो वो हो जाएगा। अच्छा आप कह सकते हो कि तुम हमें ये क्यों बता रही हो, आई डोंट वांट टू बी शाहरुख खान, कैन आई बी शाहरुख खान और एनी अदर फेमस पर्सनालिटी, यू नो, सी यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो यदि आप वो करना चाहते हो तो सबसे पहले यूनिवर्स को वो सिग्नल भेजो, सी आई वॉन्ट दिस। उसके बाद जैसे हम प्रेयर करते हैं तो हम बिलीव करते हैं ये हो जाएगा, वैसे ही उस सुपर पावर में बिलीव करो, इट विल हैपन एंड देन रिसीव योर गिफ्ट जो आपको चाहिए। अच्छा इसमें एक चीज ये आती है, आप में से कई लोगों ने नॉवल पढ़ी होगी द सीक्रेट, तो ये मैं वही बात कर रही हूँ। कई बार हम बहुत ज्यादा यू नो नेगेटिविटी अपने आसपास ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो ऐसा है और वैसा है, डोंट डू दैट, नेवर डू दैट, बिकॉज जो आपने वहां भेजा है यूनिवर्स को दैट विल कम टू यू, डोंट एवर डू दैट। व्हाट यू कैन डू इज इस साल स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्क फॉर मी, पिछले 3.5 साल से आई एम इन टू रेडियो जॉकिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर। ऐसा कुछ भी है जो आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आस्क फॉर इट, बट हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी यू रिसीव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, share it, comment on it and subscribe to the channel and request aapse please subscribe karo to press the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. Till then happy new year, I love you loads.